सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम दवा पंचायत में है और हमारे साथ यहाँ के मुखिया सुषमलता कुशवाहा हैं। चाहे पंचायत की चुनाव हो या फिर विधानसभा की चुनाव हो, हर जगह इन्होंने जो अपना जगह बनाया, आम आम जनता के बीच जो इन्होंने अपना स्थान बनाया, कहीं ना कहीं वो दिल को छू जाने वाला है। हर जगह एक महिला होकर और लगातार तमाम लोगों को अपना बनाने का प्रयास हमेशा से इनका रहा है और दावा पंचायत को जितना सुंदर इन्होंने बनाया पिछले कार्यकाल में, वाकई तारीफ़ काबिल है। इस वक्त फिर से यहाँ की जनता ने इनको मुखिया बनाया है। क्या क्या योजनाएँ अभी तक इन्होंने धरातल पर लाया है और क्या क्या प्लानिंग है इनकी, हम बात करेंगे। कैसे हैं मैडम? बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारे अधूरे ऐसे काम थे जिसका आपका योजना था, हालांकि आपने तो सोचा था कि विधानसभा यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता, आप विधायक होती तो निश्चित तौर से बहुत बहुत बड़ा प्लानिंग आपका था, लेकिन खैर जो भी हो परिस्थितियाँ साथ नहीं रही। लेकिन फिर से यहाँ की जनता ने आपको अपने पंचायत को और सुंदर बनाने का एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी आपके कंधे पर दे दिया है। क्या सोचा है आपने, क्या क्या कर रही हैं, कहाँ कहाँ बधाई आ रही है, क्या बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से, लेकिन हर चीज़ का एक पॉजिटिव व्यू नेगेटिव व्यू रहता है, तो मैंने ज़रूर कोशिश की थी कि मैं विधानसभा लड़ूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ हम लोगों के मुखिया का जो पिछला कार्यकाल है उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, इसीलिए डेस्टिनी भी चाहती थी कि नहीं आप एक बार फिर से पंचायत को ही देखें। तो वो एक, खैर जो आपने कहा वो लड़ाई है, लड़ा जाता है। बहुत सारी चीज़ें पिछले कार्यकाल में अधूरी रह गई थी, जैसे कि ये हम लोग मेरे यहाँ पे जो दावा कचहरी है इसका जो चार दीवारी वो हम लोगों ने तुड़वाया था पिछले कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी का जब समीक्षा यात्रा था तो इसको हम लोगों ने रूलर हाट का रूप दे दिया। अभी ये काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। साथ ही साथ जो पूरे महिलाओं को लेकर जो मैंने एक जो शुरुआत की थी, महिलाओं को बाहर निकालना पंचायत में, ग्राम सभाओं में उन लोगों की भूमिका, तो ये बात हुई थी कि मतलब उन लोगों को धीरे धीरे रोज़गार से जोड़ा जाएगा, तो सैनिटरी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी लोगों को जोड़ दिया है, अभी 6-7 महिलाएँ यहाँ पर फिलहाल शुरू में काम कर रही हैं जो पहले से भी हम लोगों के साथ जुड़ी थी, लेकिन आने वाले दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को यहाँ पर रोज़गार देने की कोशिश करेंगे और ये करेंगे कि मतलब जो घर से बाहर निकल गए उनको और ज़्यादा आप पैसा भी वो कमाएं ताकि एक सोर्स ऑफ अर्निंग उनका हो। साथ ही साथ जो बाकी का जो अधूरा काम रह गया है पिछले कार्यकाल में, जैसे हम लोग रीट्रीटमेंट प्लांट का जो बात हो रहा था उस पर भी हम लोग प्रोसेस में हैं, क्योंकि रीट्रीटमेंट के लिए जो पैसा है वो हम लोग को कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना है। पंचायत के पास ऐसा कोई फंडिंग नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इस 5 साल के अंदर अंदर में हम लोग वो रीट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। वो रीट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा? रीट्रीटमेंट में यही है कि जो अनकवर्ड ड्रेन्स हैं उनको, ड्रेन को कवर कर दिया जाए ताकि जो हमेशा नाली सफाई करने की जो समस्या होती है या फिर नाली का बार बार गंदा हो जाना है, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। और नल जल के आने के बाद में जो वेस्टेज ऑफ वाटर बढ़ गया है तो उसके लिए भी एक विधिवत व्यवस्था हो जाएगी, वो सारा पानी हम लोग ले जाएंगे, उसको साफ़ करेंगे और उसको इरीगेशन के लिए हम लोग छोड़ देंगे अपने खेतों में, क्योंकि हमारा जो पंचायत है वो पूरी तरीके से मतलब बोरिंग वगैरह पर ही डिपेंडेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहर वहर का व्यवस्था नहीं है। तो रीट्रीटमेंट के होने से दो चीज़ें फ़ायदा होंगी कि एक तो जो वेस्ट वाटर है उसको आप यूटिलाइज़ उसका कर पाएंगे और साथ में जो मतलब नालियों का जो गंदगी का बार बार समस्या आता है उससे भी आपको निजात मिलेगा। आपने बताया कि पंचायत में इसका पैसा नहीं है, फिर कहाँ से पैसा लेंगे? ये देखिए, कहीं ना कहीं से आपको करना पड़ता है, कहीं से आप CSR का फ़ंड मंगवाएं या फिर SBM का कुछ फ़ंड होता है, किसी मंत्रालय को हम लोग लिखें, कोशिश किया जाएगा, क्योंकि 80 लाख का प्रोजेक्ट है तो इसमें कुछ ना थोड़ा बहुत सपोर्ट IIT का भी है, जो बेटा IIT को हम लोग के साथ हम लोग का टाई अप हुआ है, शशांक सुभानकर जी के समय में ही हुआ था और रोशन कुशवाहा उसको एक पृष्ठभूमि देकर गए जो हमारे पूर्व DM थे यहाँ पे, तो काफ़ी मदद रहा उन लोगों का और उन लोगों के ही कार्यकाल में IIT के साथ टाई अप हुआ था, तो कुछ इन्वेस्टमेंट IIT की तरफ से भी होगा। माननीय मंत्री जी को यहाँ आना था इनॉग्रेशन करने के लिए, रूलर हार्ट और रीट्रीटमेंट का जो शिलान्यास है उसको करने के लिए, तो वो भी आते तो कुछ ना कुछ तो हम लोग ज़रूर उनसे
आग्रह करते हैं और ऐसा हम नहीं मानते हैं कि अगर कुछ आप अच्छा करें तो आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। अच्छा मैडम, नल जल योजना की बात करना चाहेंगे, चूँकि आप जदयू का आपने ये जदयू पार्टी ने आप पे बहुत बड़ा जवाब दिया और जुम्मारी आपके ऊपर जता के आपको टिकट भी दिया था विधानसभा का। अभी नल जल योजना पे यदि हम बात करें, जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, कहीं ना कहीं ये हर पंचायतों में फेलियर नज़र आ रहा है और इसका बहुत तरह के कारण लोग बता रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहे हैं या फिर बिजली बिल देने का कोई पैसा नहीं है, जो भी लाभुक है उन लोगों से पैसा वसूलना है 30 रुपये महीने करके, तो बहुत तरह की चीज़ें आ रही है। क्या लगता है आपके पंचायत में कैसी स्थिति है नल जल का, या क्या आपने बताया शायद? नहीं, निश्चित रूप से 15 वार्ड हैं मेरे यहाँ। मेरे यहाँ भी 3 वैसे वार्ड हैं जिनमें जो काम है अभी तक नहीं पूरा हो पाया है, उसमें वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समिति पे हम लोग नोटिस भी कर चुके हैं। लेकिन बाकी मैं इस चीज़ को कहूँगी कि बाकी जगह का तो मैं पूरी तरीके से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बाकी जो मेरे नल जल हैं वो चल रहे हैं और उसी का नतीजन ये है कि हम लोगों को रीट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ा। स्थिति ऐसी है कि कुछ ऐसे नल जल हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति आ गई है। कहीं कहीं पर रिपेयरिंग की वजह से ये ज़रूर है, पिछले 4 सालों से 4.5 सालों से नल जल चल रहा है तो कहीं कहीं पे रिपेयरिंग की वजह से कहीं कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन नल जल है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की योजना थी और उसको पृष्ठभूमि पे सही तरीके से करना था। कमी पूरी तरीके से किसकी है अब ये हम नहीं बता पाएंगे, ये वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति को की कमी है या मुखिया जी की कमी है या फिर वहाँ के मैनेजमेंट की कमी है। सभी लोगों को ये जो पानी का जो एक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि आपको बहुत नीचे से हम पानी देंगे और एक फ्रेश पानी देंगे, तो देखिए पंचायतों में या ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोग आरओ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर पानी तो बहुत अच्छा मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी हुई है, उसकी वजह से ये योजना पूरी तरीके से मतलब सब बहुत जगह पे फेल नज़र आ रही है। मेरे पंचायत की जहाँ तक बात की जाए तो अभी तो नल जल चल रहे हैं और जहाँ कुछ प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिपेयर भी कराने का बात कर रहे हैं। 30 रुपये की जहाँ तक बात है तो आप अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके एवज़ में आपको कुछ ना कुछ देना है। 1 रुपये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ की जनता दे पाएगी? नहीं, बिल्कुल दे पाएगी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं अपने पंचायत के प्रति, एक मुखिया के हैसियत से देखें या फिर वहाँ के एक आम नागरिक के हैसियत से देखें, तो हम लोग को लगता है यार 30 रुपये मांगने जाएंगे तो वोट बिगड़ जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आती। पर ऐसा नहीं है, हम लोग ले भी रहे थे कोरोना का जो काल था उसके पहले हम लोग यहाँ से पैसे ले भी रहे थे, मेरे 2-3 वार्ड में पैसे हम लोग ले रहे थे, लोग दे भी रहे थे। आप लोगों को अगर सही तरीके से समझाते हैं तो ऐसा नहीं है 1 रुपये पर डे के हिसाब से लोगों के लिए देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हर जगह पर कुछ दंड लोग होते हैं जो आपकी किसी भी बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो नहीं देना है तो वो नहीं देंगे, लेकिन जब आप प्रक्रिया में शुरू हो जाएंगे तो लोग देंगे भी और हमको नहीं लगता है कि लोग नहीं देंगे। अच्छा, इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट आपने कितने लोगों को दिलवाया? अभी तो स्टार्टिंग है, 700 कुछ मेरे यहाँ है टारगेट, जिसमें से 100 कुछ मैंने अभी फर्स्ट लॉट चला है जिसमें ST SC लोग ज़्यादा हैं, 100 कुछ डिलीट मतलब गया है जिसमें रिजेक्शन है कुछ पेपर वर्क की वजह से, तो अभी देखिए धीरे धीरे जो भी होता है, 700 कुछ तो है टारगेट में। अच्छा, सुषमलता कुशवाहा हमेशा से कुछ अलग एक्स्ट्रा करने के लिए जानी जाती है, अभी क्या प्लानिंग चल रही है? नहीं, निश्चित रूप से पिछला जो घोषणा पत्र था मेरे चुनाव के दरमियान, तो हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में जितने भी कमिटमेंट किए थे वो लगभग सभी को पूरा कर दिया। एक कमिटमेंट था कि अगले 5 सालों में दावा को एक बिजनेस हब का रूप देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एकदम से सारी चीज़ें पूरी हो जाए, लेकिन एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और कुछ ना कुछ तो इस तरीके का कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ रोज़गार यहाँ पे स्टार्ट किए जाएँ छोटे ही माध्यम पे, जो आगे आने वाले समय में कुछ एक अलग स्वरूप जिसका हो, और दामा को जो हम लोग एक बिजनेस हब बनाना चाहते हैं उसकी एक शुरुआत हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सुषमलता कुशवाहा हैं जो अभी दवा पंचायत की मुखिया है। हालांकि जगदीशपुर विधानसभा में तमाम लोग इनको जानते हैं, चूँकि इन्होंने विधानसभा भी लड़ा और ज़बरदस्त तरीके से जदयू के सीट पे इन्होंने लड़ा और तमाम लोगों के दिलों पे राज करने का इन्होंने काम किया अपने व्यवहार से, अपनी गुणवत्ता से। हालांकि जिस तरह की इनकी सोच रही है, हमेशा से कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए जानी जाती है, और आपने देखा ही इनकी सोच कहाँ है, जहाँ लोग सिर्फ आज
पंचायतों में अधिकांशतः देखे जाते हैं कि नली गली से ज़्यादा लोग उभर के सामने नहीं आ पाते हैं, या फिर सोचते हैं सरकार फंड नहीं दे रही है, पंचायत फंड में ऐसा नहीं है तो हम क्या करें। लेकिन आपने देखा, इन्होंने कहा कि जहाँ से भी हो, चाहे जिस मंत्रालय से हो, मांगा जाएगा, लेकिन पंचायत को विकास करना है, विकास को गति देना है। तो कुछ न कुछ पॉजिटिव सोच इनके साथ रहती है, हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए जानी जाती है। तब पार्टी विश्वास करके इनको विधानसभा के टिकट दी और इन्होंने तत्परता से उस पर ज़बरदस्त तरीके से, हालांकि परिस्थिति इनका अनुकूल नहीं रही उस समय, इनके साथ सिचुएशन ही कुछ और था, लेकिन जिस तरह इन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा था, वाकई लग रहा था कि नहीं, सुषमलता निश्चित तौर से जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक बन के आएंगे। तमाम लोगों को ऐसा विश्वास जग रहा था, दिख भी रहा था। पंचायत में अपना दावा, पंचायत को पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से चलाया था और काफ़ी विकास किया था। अभी भी इनकी सोच है कि जितनी तमाम समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए दावा पंचायत को बहुत ही सुंदर और आदर्श पंचायत बनाना है, बिजनेस से लोगों को जोड़ना चाह रही है, तमाम लोग जितने भी बेरोजगार हैं उन लोगों के भी बारे में हमेशा से इनकी सोच रही है और सोच रही है। तो देखते रहिए, दावा पंचायत की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे, कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।